राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन द्वारा आज मनोनीत किए गए अपने व्यापारियों को एक गोष्ठी करके बीजेपी के मेयर उमेश गौतम द्वारा कई सीख दी गई और कई नई जिम्मेदारी उनको दी गई है। और इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि जितने भी व्यापारी वर्ग हैं उनको युवा संगठन से जुड़ने का नया अवसर दिया गया है और एक नए प्रकार से मेयर एक नए अंदाजे से व्यापारियों से इंटरेस्ट होते दिखाई दिए। उनको बढ़ चढ़कर इवेंट करने की राय दी गई। साल में दो बार इवेंट करें, किसी एक बच्चे को आप गोद लेकर पढ़ा सकते हैं और काफी नसीहतें दे डाली उमेश गौतम ने, जो कि आने वाले समय में व्यापारी नेताओं के लिए काफी हितकारी साबित होने वाली हैं। विशेष रूप से व्यापारी नेता जितने भी पदाधिकारी राष्ट्रीय युवा जागरण संगठन से जुड़े हैं वह सब बरेली के व्यापारी हैं, जिसमें सतीश काते, मामा सभासद नगर निगम उप सभापति अतुल कपूर एवं अन्य व्यापारीगण मौजूद रहे। इस गोष्ठी का आयोजन आज राजेंद्र नगर स्थित बरेली के एक होटल में किया गया है। भाई और अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आप जब किसी पद की शपथ लेते हैं तो जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर बहुत सारी आ जाती हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन जिम्मेदारियों के साथ आपको पद दिए गए हैं उनको आप पूरी तरह से निभाएंगे। मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई आदरणीय सक्सेना साहब, सभी पदाधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ पार्षद आदरणीय मोहम्मद जी, उपसभापति अतुल कपूर जी, विशाल जी और इस संगठन से जुड़े सभी पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित, सभी हमारे बरेली के सम्मानित नागरिक, माताएं बहने और पत्रकार बंधु। दोस्तों, अभी मैं ये पूछ रहा था कि संगठन व्यापारिक है या सामाजिक है, तो मुझे पता लगा कि नहीं, सामाजिक है और सामाजिक कार्य हम लोग करते हैं। संगठन जब भी बनते हैं तो हम इंडिविजुअल यानी कि अकेले अगर समाज की सेवा करने निकले तो शायद बहुत बड़ी सेवा नहीं कर सकते हैं, इसलिए संगठन बनते हैं कि सामूहिक रूप से अगर हम लोग 50 लोग हैं या 20 लोग हैं तो शायद हम इतनी अच्छी सेवा कर सकते हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि खाली अगर धन भी हमारे पास है तो धन अगर हम देना चाहें तो शायद समय नहीं है हमारे पास, तो इस तरह की बहुत सारी परेशानी आती है। इसलिए संगठन बनते हैं कि कोई उसमें धन से सहयोग कर रहा है, कोई उसमें अपने व्यक्तित्व से सहयोग कर रहा है, कोई कहीं काम में जाके हाथ बटा रहा है, तो इस तरीके से संगठन बनता है और उसमें हर व्यक्ति का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो संगठन आपने बनाया है और जो चल रहा है, अभी मुझे पता लगा कि अनाथालय में भी आपने कुछ प्रोग्राम किया था, अच्छे अच्छे कार्य करिए। जो लोग जनरल काम करते हैं उनसे थोड़ा आधा घंटे काम करिए, क्योंकि काम ऐसा हो जिसकी गूंज पूरे शहर में सुनाई दे। आप कार्य